हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। तो आज का टॉपिक अपना सिविल इंजीनियरिंग के बहुत ही बेसिक बातों पर है। मतलब आपको ये ऑन साइट साइट और साइट के बाहर आपने जो अपना कॉन्ट्रैक्टरशिप चालू कर दी होंगी, अपने कॉन्ट्रैक्ट लेना चालू कर दिया होगा, जहाँ आपने गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं आपको, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा PWD में। आप कॉन्ट्रैक्टर हो कॉन्ट्रैक्टर बनने की सोच रहे होंगे और बन रहे होंगे, तो आपको PWD में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेने हो। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, उसकी क्या क्या प्रोसेस है, इस पर मैं वीडियो लाया हूँ आज। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना हो और गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेने हो, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है PWD में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको। तो देखिए, पहले डॉक्यूमेंट है लेटेस्ट इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट। मतलब चालू जो आपका अभी चालू जो ईयर है उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, सेकंड डॉक्यूमेंट है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस, आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटस का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगला जो अपना डॉक्यूमेंट है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। तो सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट क्या होता है, मतलब आपने इनकम टैक्स भर दिया है तो उसके बाद आपका पूरा क्लियरेंस होगा, इनकम टैक्स भर दिया है, पूरा टैक्स क्लियर हो गया, तो उस सर्टिफिकेट आपको उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलता है, उस सर्टिफिकेट का नाम होता है सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। फोर्थ है अपना लिस्ट ऑफ मशीनरी विद देयर कंडीशन, मतलब आपके पास कौन सी लेटेस्ट मशीनरीज है और उसकी क्या क्या वो नया है, पूरा नया है, ख़राब हो गई, उसकी क्या कंडीशन है, उसकी लिस्ट देनी पड़ेगी आपको PWD में। और फिफ्थ नंबर है लिस्ट ऑफ टेक्निकल स्टाफ एम्प्लॉयज अलॉन्ग विथ देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास किस तरह का स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, एक्सपीरियंस, उस स्टाफ के पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, उसका क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए, मतलब आपके पास फुल वेल क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए। और जो अपने लिया गया कौन सा भी वर्क हो PWD का, तो उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सके, उनकी लिस्ट देनी पड़ेगी आपको PWD में। आपके पास टेक्निकल स्टाफ है, उनके क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, उसके हिसाब से। सिक्स डॉक्यूमेंट है अपना प्रोफेशनल कैपेसिटी एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पास प्रोफेशनल आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए प्रोफेशनल्स को हायर करने के लिए, और डिज़ाइनर्स और डेवलप आर्किटेक्चर ऐसे कुछ उनकी उनको हायर करना पड़ेगा आपको उनकी। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपको कोई आपने कोई पुराना वर्क होगा, मतलब आपने किसी के यहाँ काम किया है और आपके पास क्या एक्सपीरियंस है कि भाई इस फील्ड में आप आए, तो आपने कौन से वर्क किए, उसके हिसाब से आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। सेवन डॉक्यूमेंट अपना अटेस्टेड कॉपीज ऑफ पार्टनरशिप रिलेटेड इफ एनी, मतलब आपके इस बिजनेस में आपका कोई पार्टनर है तो उसके आपको कॉपी लगानी पड़ेंगी, डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे उसके साथ। और एट नंबर और सबसे लास्ट का डॉक्यूमेंट अपना रजिस्ट्रेशन फी, आपको इन सब होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फी भरनी पड़ेगी उधर PWD में। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको PWD में कॉन्ट्रैक्टर के लिए डॉक्यूमेंट देने पड़े।